हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक आपके पर्सन आपसे दूर रहेंगे। अगर आप लोग सेपरेशन में हो, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपसे शादीशुदा है या आप अनमैरिड हो या सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। इसकी रीडिंग नहीं चल रही है, सिर्फ ये रीडिंग चल रही है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो भी आपके पार्टनर है, वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे। ठीक है, इस बारे में ये रीडिंग होने वाली है। ये दो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है लॉयल हार्ट और दूसरा है सोलमेट्स। अच्छे से कार्ड्स को देख लीजिए, मेडिटेट करिए, इंट्यूटिवली जो कार्ड आपको लगे कि हाँ मुझे ये चूज़ करना चाहिए, प्लीज़ उसी को चूज़ करिए। पिक्चर देख के, कलर देख के, ये वो देख के चूज़ मत करिए, मेडिटेट करके अच्छे से चूज़ करिए। पॉज कर लीजिए लगे तो वीडियो को, और जो कार्ड्स आपको लगता है कि मुझे इसको चूज़ करना चाहिए, उसी को चूज़ करिए। तो चलिए देखते हैं, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पार्टनर आखिर कब तक दूर रह पाएंगे। ओके, तो जिन्होंने लॉयल हार्ट ये कार्ड चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है और वो कब तक आपसे दूर रह पाएंगे। उनके दिल में, दिमाग में क्या कुछ चल रहा है आपको लेकर। गाइस, यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि कैमरा पे शफल करते जाओ, मतलब आपको चश्मा है या फिर आपकी आई इन्फेक्शन हो गया आपको, तो डॉक्टर के पास जाइए, अपनी आंखें चेक कराइए। क्योंकि मैं हर वीडियो में कार्ड्स कैमरा के सामने ही शफल करती हूँ, फिर भी कुछ पता नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है मुझसे, क्यों मतलब मुझे परेशान करने पे लगे हुए हैं और क्यों नेगेटिव कमेंट्स डालते हैं कि मैम कार्ड को कैमरा पे शफल करते जाओ। यार ये मैं अभी क्या कर रही हूँ, फिर ये खेल रही हूँ मैं, गोटियाँ खेल रही हूँ? नहीं ना, कार्ड को कैमरा पे शफल करें ना, तो किसी की ना लिमिट मत क्रॉस करिए हर चीज़ का। कोई कोई लोग, सब लोग नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, कोई कोई है ऐसे महारथी जो परेशान करने पे तुले होते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं हाइड कर देती हूँ उनको चैनल से। एनीवे, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। द स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, कुंभ राशि, हो सकता है आपके पार्टनर कुंभ राशि के हो। व्हाट मोर डू वी हैव, मतलब ये क्या कर रही हूँ मैं, शफल ही तो कर रही हूँ, इसको शफल कैर करना ही बोलते हैं, शायद आपको पता ना हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है, और एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है ये भी। द लवर्स, जेमिनी एनर्जी। चलिए और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी, और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी ड्यूरिंग द रीडिंग, तो मैं कार्ड्स क्लैरिफिकेशन के लिए मेरा ये डेक यूज़ करूँगी। एनीवेज, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है, मैंने साइंस बता दी है, जेमिनी एनर्जी विद दिस लवर्स कार्ड, अर्थ साइन विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस एनर्जी विद द स्टार कार्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी विद दिस एट ऑफ स्वर्ड्स, एंड एरीज लियो सेगिटेरियन एनर्जी विद दिस सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि वट आई कैन सी हियर इज, मुझे काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। वो जानते हैं, दिल ही दिल में, मन ही मन में वो जानते हैं कि कोई एक पर्सन, देखिए मुझे दो तरह की एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी होपफुल है रिलेशनशिप को लेकर, प्यार, फीलिंग्स, कनेक्शन, इमोशंस, एवरीथिंग, और दूसरा पर्सन टोटली अपोजिट है, दूर दूर भागना, अपनी फीलिंग्स को ना जताना, यू नो, विश्वास ना कर पाना, अड़के बैठना, इमोशनलेस है ऐसा दिखाना। हालांकि है इमोशंस, दोनों ही प्यार करते हो, ओके, बट कोई एक पर्सन ऐसा है यहाँ पे जो पर्सन ब्लॉक करके बैठा है, बात नहीं करना चाह रहा है, अपने फीलिंग्स से भाग रहा है, प्यार नहीं कर दिखाना चाह रहा है, अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाह रहा है। फीलिंग्स तो बहुत है बट दिखानी नहीं है, विश्वास नहीं कर पा रहा है इस कनेक्शन पे, आप पे मे बी। और एक पर्सन यहाँ पे बहुत होपफुल है, तो यहाँ पे दो टाइप के लोग मुझे दिख रहे हैं। एक तो ये आप हो सकते हो जो ऐसे मोड में हो, या तो आपके पर्सन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन बहुत होपफुल है, वो जानता है कि रिलेशनशिप किस लेवल पे पहुँच सकता है, ये प्यार किस लेवल पे पहुँच सकता है, दोनों कितना प्यार करते हो एक दूसरे से,
ये आप जानते हो, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है, आप जानते हो, यू नो यू डीपली लव दिस पर्सन, आपका आपके मन में कोई भी शक नहीं है, आप जानते हो इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप अपने पूरे एफर्ट्स डालना चाहते हो, आप अपने पूरे दिल से इस पर्सन से प्यार करते हो, कोई आपके मन में शक नहीं है, आप इस पर्सन पे पूरा आपका अटेंशन रहता है, कभी भी आप इनको भूलते नहीं हो, तो देर इज़ अ प्रॉपर गिव ऑफ यू नो गिविंग ऑफ गिविंग एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा हुआ आप, ठीक है, अपने तरफ से सारे एफर्ट्स डालना, पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे दिल के साथ, दिल लगा के प्यार करना, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप कोई हड़बड़ी नहीं करना चाह रहे हो, लाइक आप, हाँ आप चाहते हो इस पर्सन से बात करना, इस पर्सन के साथ रहना हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इस पर्सन के साथ रहना, बट साथ ही साथ मुझे लगता है चीज़ें उतने फास्ट नहीं आगे बढ़ रही है जैसे आप चाहते हो, दैट इज़ वाई भी, मतलब ये होके भी आप इस पर्सन के साथ बहुत पेशेंस रख रहे हो, आप कोई अपना पेशेंस नहीं हार रहे हो, आप इनको पूरा वक्त दे रहे हो अपना, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसके थ्रू आपकी जो ये लाइक आप कितना प्यार करते हो ये दिखता है, ओके, वाई इज काइंड ऑफ पेंटिकल्स योर प्लीज़, आप बहुत वैल्यू करते हो इस पर्सन को, मुझे लगता है आपके अंदर एक अलग लेवल का प्यार है इस पर्सन के लिए, जो कि मुझे लगता है कभी कभार थोड़ा सा ही कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, ठीक है, मकर राशि, मुझे लगता है कि आप ना एक लेवल पे जाके इस पर्सन पे स्टक हो जाते हो, ना तो आप इनको छोड़ पाते हो, ना तो आप इनको पा पाते हो, और मुझे लगता है इसी वजह से आप इनको हर मौका देते हो, हर एक लेवल पे आप इनको समझ लेते हो, पेशेंस रखते हो, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे आपकी तरफ, वहीं आपके पर्सन का देखा जाए तो मुझे लगता है ये पर्सन प्यार तो करते हैं, ये चीज़ तो सही है, बट मुझे नहीं लगता अभी भी ये पर्सन रेडी है ओपन अप करने के लिए, ये मुझे लगता है इनको लगता है कि आपने इनको अबेंडन कर दिया, आप इनसे दूर चले गए, आपने इनको अकेला छोड़ दिया, जबकि ऐसा रीज़न है, ऐसा रीज़न हुआ होगा जो वैलिड रीज़न है कि वो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, बट मुझे लगता है ये पर्सन खुद भागते हैं और आपको ब्लेम करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ ब्लेम गेम्स मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ईगो क्लैशेस लग रहे हैं, ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, इमोशनल लेवल पे काफ़ी इमेच्योर है, ये बहुत प्रैक्टिकली सोचना चाहते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, आप इनको अपनी पूरी दुनिया मानते हो, और ये पर्सन बहुत इमोशनल क्लोज्ड ऑफ है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ ये प्यार करते हैं, दिस पर्सन लव्स यू, बट इनको थोड़ा टाइम लगेगा ओपन अप होने में, मुझे नहीं लगता ये अभी रेडी है इस लेवल पे, अगर देखा जाए तो मुझे ये रेडी नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि इनको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हाथ कंट्रोल से बाहर हेल्पलेस सी लग रही है, होपलेस सी लग रही है, इन मुझे लगता है इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, और ये ब्लॉक हटाते हैं और फिर ब्लॉक कर देते हैं, इनको जो देखना होता है वो देख लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा मुझे एनर्जी कई कुछ लोगों के लिए फील हो रही है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड टू डील विथ, इनसे डील करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप नहीं डील कर पाते हो, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इनसे डील करना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इनके जो नेचर है, जो ये बार बार आना जाना, बार बार ब्लॉक अनब्लॉक करना आपसे, यू नो समझ, आपको समझ नहीं लेते ये पर्सन, आप बहुत समझ के लेते हो इनको, बट आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अंडरस्टैंडिंग हो, आप कभी भी यू नो यू डोंट एवर, आप कभी भी इनको छोड़ते नहीं हो किसी भी हाल में, यू ऑलवेज स्टिक बाय दिस पर्सन, लेट्स सी व्हाई इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, ओके द हायरोफेंट, सो इनको हमेशा मुझे लगता है, हो सकता है इनको कोई पास्ट में ऐसा अनुभव हुआ है जहाँ पे ये पर्सन को चीट किया गया है, दैट इज़ वाई ये पर्सन अभी चीट अभी भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आप पे, जिस लेवल पे ट्रस्ट करना चाहिए मुझे नहीं लगता ये पर्सन कर पाते हैं, जल्दी से ये ट्रस्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, दिस पर्सन डजंट शो दैट ट्रस्ट ऑन यू, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि दिस पर्सन इज़ ये ना अभी किसी चीज़ को ओन नहीं करना चाह रहे हैं, ये अकेले रहना चाह रहे हैं, अपने साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं, कोई भी नहीं एक्शन लेना चाह रहे हो, ठीक है, आप बस अपने रास्ते पे चलना चाह रहे हो, यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन योर पाथ, जहाँ पे आप इनका साथ चाह रहे हो, बट सो मुझे लगता है कि ये पर्सन ब्लॉक्ड है अपनी फीलिंग्स को, इन्होंने साबोटाज कर रही है, ये नहीं मान रहा है कि आपसे प्यार करते हैं, ये नहीं मान रहा है कि इनको चीज़ें आगे बढ़ानी है, किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं लग रहे मुझे ये पर्सन, बट हो जाएगा बिकॉज दिस पर्सन एट द एंड लव्स यू,
और कई लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, कभी कभार हो जाता है कि द अदर काउंटर पार्ट, यू नो द अदर डिवाइन काउंटर पार्ट इज़ जस्ट इन डिनाइल, वो नहीं एक्सेप्ट कर पाते फीलिंग्स को. ठीक है, ये पर्सन वैसे भी मुझे थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं, मे बी एज गैप है आप दोनों में, आई रियली डोंट नो, बट ये पर्सन अगर एज से कम नहीं है तो इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है ये पर्सन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, एंड व्हाट आई ऑल्सो सी हियर इज, लेट मी क्लियर वन थिंग, व्हाट इज द सेवन ऑफ वांड्स, क्यों वो इस डिनाइल में है. मुझे लगता है ना ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इनको लगता है कि कभी ना कभी तो ठीक हो ही जाएगा, ये पर्सन तो मेरे पास आ ही जाएंगे, कोई ऐसा सीन नहीं है कि ये पर्सन नहीं आएंगे वापस, दे आर गोइंग टू कम बैक. और ये जब आ जाएंगे आपके पास आपके लाइफ में तो इनको पता है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि उन्होंने आपको, कहते ना, एक नस पकड़ ली आपकी, वो आपकी वीकनेस को जानते हैं. दे नो यू विल एक्सेप्ट देम, दे नो कि आप उनसे बेहद प्यार करते हो, आप किसी भी लेवल पर जाके उनसे प्यार करोगे. एंड वॉट दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग हियर, कि ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, और वो नहीं होना चाहिए. वैन यू लव समवन यू डोंट हैव टू टेक देम फॉर ग्रांटेड. वट इज़ दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, या मुझे लगता है इनको ऐसे लगता है कि जो हुआ है पास्ट में आप दोनों के बीच, जो हुआ है या जो हो रहा है वो सही है. अभी तक वो इसी माइंड सेट में है कि इट इज़ गोइंग वेल, जो हुआ है सही हुआ है, इन ये सही है आप गलत हो, और ये कोई बात मनवाना चाह रहे हैं. मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ वेरी, ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ वेरी इगोइस्टिक एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न. जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत स्टबर्न है, मे बी लिब्रा है या फिर जेमिनी हो सकते हैं, या फिर एरीज भी हो सकते हैं. वॉट इज़ दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है सारी दुनिया भर का तो जो बुरा हुआ है मेरे साथ हुआ है, ऐसी इनकी ओवरऑल फीलिंग है. इनको लगता है कि भाई तुमने मेरे को क्या कर दिया, मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया, बहुत पाप कर दिया तुमने कुछ, मुझे छोड़ दिया. भागते ही खुद है बट आपको ब्लेम करते हैं हर चीज़ के लिए, मुझे लगता है. और ये बहुत गलत है. दिस पर्सन हैज़ टू रियलाइज समडे और दी अदर, और हो जाएगा वो, बिकॉज दिस पर्सन रियली लव्स यू. अब देख लेते हैं कि ओरैकल से आपके लिए क्या निकल के आता है, एग्जैक्टली इस पर्सन का माइंड सेट देखते हैं क्या सोच रहे हैं. ट्रुथ, तो मे बी हो सकता है कि आपके सामने कोई ट्रुथ आने वाला है, या फिर कोई रियलिटी आप फेस करने वाले हो, या फिर इस पर्सन को कुछ दे वॉन्ट टू ब्रिंग समथिंग, कुछ ये पर्सन आपकी कोई बात मनवाना चाहते हैं, कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं. एक तो देना एक तो लेना, कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन एक तो देना चाहते हैं, कुछ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, या फिर मैंने जैसे बोला ना कि ये बहुत अड़े बैठे हैं, सो दैट इज़ ड्यू टू समथिंग दैट दे वॉन्ट टू, ये अपने आप से कुछ उगलवाना चाहते हैं मुझे लगता है. नेक्स्ट है एक्शन और एडवेंचर्स. तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है विद दीज टू कार्ड्स, आप दोनों के रिलेशनशिप में जो एक ऑब्स्टैकल है वो है एक्शन ना लेना, सैबोटेज करना. आपको लग रहा है कि ये पर्सन, यू नो, ये इनको मनाना काफ़ी मुश्किल है, ये नहीं आएंगे ऐसा वैसा, और उनको वो तो किसी और ही माइंडसेट में बैठे, और यही एक मेन रीज़न है आप दोनों के रिलेशनशिप स्पॉइल होने का. दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग. एंड मुझे लगता है यहाँ पे एक्शन की कमी है, यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पे देयर इज़ नो व्हाट टू से, मे बी एक न्यूनेस नहीं है, देर इज़ नो फ्रेशनेस इन दिस रिलेशनशिप. वहीं वही घिसा पिटा से सब कुछ चल रहा है, एंड दैट इज़ वाई ऑल्सो फेड हो रहा है सब कुछ. सो आपको ट्राई करना चाहिए टू कीप योर पर्सन हैप्पी, क्योंकि मुझे पर्सन ना डिससेटिस्फाइंग बहुत ज़्यादा लगता है, हर चीज़ से डिससेटिस्फाइड होते हैं, तो आपको थोड़ा वो ध्यान देना चाहिए. वट एडवाइस डू वी हैव फॉर पाइल नंबर वन? तो मुझे अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा. किसी के लिए 5 मंथ्स लग सकते हैं, किसी के लिए 6 मंथ्स लग सकते हैं फॉर दिस पर्सन टू रियली रियलाइज कि क्या कर रहे हैं. ओके, बट दे विल, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. तो कहीं ना कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप सेफ है, प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, यू डोंट नीड टू वरी. आप किसी भी चीज़ का के लिए परेशान मत होइएगा. मुझे लगता है कि यू आर ऑन द राइट पाथ विद दिस पर्सन, बस सिचुएशन गलत है, एंड वो भी सही हो जाएगी. आपको परेशान नहीं होना है. फ्योरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, जैसे हमारा ये कार्ड भी आया था ट्रुथ, तो कोई ना कोई बात आगे आनी है, कोई ना कोई रियलिटी समझनी है, और वो जब सामने आ जाएगी काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी अबाउट दिस कनेक्शन और ये पर्सन. वर्क थ्रू योर फ्यर्स. तो मे भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे डेविल कार्ड था, तो आप मुझे लगता है काफ़ी हद तक ना इस पर्सन से बहुत को डिपेंडेंट हो गए हो, इमोशनली काफ़ी डिपेंडेंट हो गए हो. अगर ये पर्सन रहेगा तो मैं खुश रहूँगी, ये पर्सन रहेगा तो मेरा ऐसा होगा वैसा होगा. यू डोंट नीड टू, मुझे नहीं लगता आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की ऐसा ज़रूरत है. बी बाई योर सेल्फ.
एंड अगर वो सच्चा प्यार है, आपका प्यार है, तो वो आपके पास वैसे भी आने वाला है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. इतना वरी करोगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर ये प्यार किस काम का है अगर इतना आपको कुछ करना पड़ रहा है इस चीज़ का. लव मैसेजेस देख लेते हैं. फर्स्ट इज 7 जन्म एक साथ. तो मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है और दे वॉन्ट टू बी विथ यू थ्रू आउट 7 लाइव्स. जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है आई मिस योर स्वीट वॉइस, टॉकिंग टू यू मेक्स माई डे. तो ये आपका स्वीट सा वॉइस मिस कर रहे हैं, आपसे बात करने को बहुत मिस करते हैं. तुम्हारे औरों से बात करना मुझे पसंद नहीं, तो आपका किसी और से बात करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म. तो मे बी ये कह रहे कि द वेट इज़ ओवर नाउ. जो वो नेक्स्ट मैसेज हमारे पास है वो है मैंने अपना वादा एक दिन ज़रूर पूरा करूँगा. तो ये अपना एक वादा ज़रूर पूरा करेंगे. और लास्ट मैसेज है हमारा तुम्हें देखना, सोचना और बातें करना अच्छा लगता है. ठीक है, तो बस यही रीडिंग थी. अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है लॉयल हार्ट, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना. चलिए नेक्स्ट पाइल पे. अगर आपने कार्ड नंबर 2 सोलमेट्स ये चूज़ किया था, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे कब तक दूर रह पाएंगे. ओके, क्या रह पा रहे हैं या नहीं, उनकी फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं. मैं जिसकी भी एनर्जी पिकअप कर पाऊँगी आई विल जस्ट रीड थ्रू इट. ओके, आई होप आपके पर्सन की ज़्यादा एनर्जीज रीड कर पाऊँ, बट रीडिंग के दौरान कह नहीं सकते आपकी भी फीलिंग्स या एनर्जी पिक कर पाऊँगी. फर्स्ट टू कार्ड्स वी हैव इज 3 of Swords. दिस इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी. तो ये एयर साइन है. नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी. व्हाट मोड वी हैव, मैं क्लैरिफाई भी करूँगी कार्ड्स को, डोंट यू वरी अबाउट दैट. द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज एस ऑफ स्वर्ड्स. दिस इज ऑल्सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. एस आया है. वाओ, ब्यूटीफुल. व्हाट मोड वी हैव, पेज ऑफ कप्स. दिस इज ऑल्सो वाटर साइन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस. ओके, व्हाट मोड वी हैव, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी. 4 of Swords, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी. ओके, द हाई प्रिस्टेस पाइसिस एनर्जी एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. मैं क्लैरिफाई करूँगी, जस्ट वेट फॉर दैट, रीडिंग के दौरान करूँगी जब मुझे लगेगा आई हैव टू. देखिए मैं आपको बताती हूँ, मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि कौन सी फीलिंग आपकी है और कौन सी आपके पर्सन की. यू नो इट बेटर. मुझे लगता है यहाँ पे समवन इज़ रेस्टिंग, समवन इज़ हीलिंग. कोई तो यहाँ पे हील हो रहा है फ्रॉम अ हार्ट एक. ओके, मे बी आपके पर्सन. देखिए अभी आपको नहीं पता होगा ना आपके पर्सन को किस बात का हर्ट हुआ है या वो क्या सोच रहे हैं. तो ये मत कमेंट करिए कि दी ये तो मेरी फीलिंग है, मैं यहाँ पे हर्ट हूँ. आप नहीं जानते ना आपके पर्सन हर्ट है या नहीं. तो मुझे लगता है कोई तो यहाँ पे हील कर रहा है. समवन इज़ रेस्टिंग, रीजेनुएटिंग. ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई पर्सन ना या तो रेस्ट कर रहे थे. रेस्टिंग मतलब सोना नहीं, रेस्टिंग मतलब हील होना, अपने आप को हील करना. ओके, टू वर्क ऑन हीलिंग योर सेल्फ. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई तो था जो ऐसा सोच रहा था मेरा दिल टूट गया, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ये तुमने क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों हो गया. तो उसे हील कर रहे हो काफ़ी हद तक. ओके, एंड मुझे लगता है कि दैट इज़ हैपनिंग, हीलिंग प्रोसेस चल रही है किसी की. एंड समवन इज़ गेनिंग क्लैरिटी, किसी चीज़ को लेकर गेन कर रहे हो क्लैरिटी. लेट सी व्हाट इज़ द 3 of Swords अबाउट. ये हार्ट ब्रेक क्यों हुआ था, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स. मे बी ड्यू टू हार्श वर्ड्स, मे बी आप दोनों में कुछ हार्श वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे या किसी बात को लेकर बहस हो गई थी. कोई अपनी बात मनवाना चाह रहा था, कोई क्लैरिफिकेशन चाह रहा था, उसको नहीं मिला और उनका दिल टूटा. ओके, तो मुझे ये एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है. बट अभी मुझे लगता है योर पर्सन हैज़ हील्ड. ये मुझे लगता है कि हील हुए हैं, इनको काफ़ी परेशानी हुई है किसी बात को लेकर और वो अभी हील हुए हैं. व्हाट इज दिस 4 of Swords अबाउट. या मे बी इस पर्सन को किसी चीज़ को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटिंग सा फील हुआ. कुछ आपकी कोई बात इनको लग गई या कुछ आपने ऐसा कर दिया जो इनको नहीं एक्सपेक्टेड था. एंड दैट इज़ ये पर्सन अभी उससे हील हो रहा है. दे आर कमिंग आउट ऑफ इट, दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट हील, यू नो दैट टेंशन, वो स्ट्रेस से वो हील हो रहे हैं. आगे आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं. ठीक है, मुझे लगता है अभी ये पर्सन थोड़ा थोड़ा ओपन अप होना चाह रहे हैं या फिर इन्होंने ऑलरेडी आपको आपसे बात करना शुरू कर दिया होगा या मैसेज या कॉल. क्योंकि ये पर्सन बहुत क्यूरियस है, ये पर्सन आपको लेकर बहुत क्यूरियस है. बहुत इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी आपके बारे में जानने की
कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या क्या चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, पेज ऑफ कप्स है, एनर्जी है. तो दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस और ये क्यूरियोसिटी इज़ आउट ऑफ लव, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को प्यार करते, आपको प्यार करते. दिस पर्सन ये ना, ये पर्सन आपको बहुत मेस्मराइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ यू, योर ब्यूटी, योर इनर एंड आउटर ब्यूटी. ये पर्सन बहुत मेस्मराइज हो जाते हैं, इनको आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है. एंड मुझे लगता है इनको क्लैरिटी आ रही है. अगर इनका दिल टूटा भी था और वो रीज़न मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कोई, तो उसके ऊपर उनको क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, ये ऐसा ऐसा था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. एंड दैट इज़ वाई दे आर हीलिंग. हीलिंग पर्सन के अंदर तभी होती है जब उसको जो सुनना होता है या उसको जो क्लैरिटी चाहिए होती है वो पर्सन को मिल जाती है, राइट. एंड हो सकता है ये यूनिवर्स ने और स्पिरिट गाइड्स ने ही इनको दी हो ये क्लैरिटी, ठीक है. बहुत स्पाई करेंगे ये आपको पर्सन, या कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत स्पाई कर रहे हैं. एंड मुझे डेफिनेटली लग रहा है ये पर्सन नहीं दूर रह पा रहे हैं. एंड मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए बहुत जल्द ही ये पर्सन आपके पास कोई ऑफर लेके आने वाले हैं. दे आर गोइंग टू कम बैक विद एन एक्शन, दे आर गोइंग टू टेक द लीड. ये खुद आएंगे. दिस इज़ कोई तो इमोशनल ऑफर या फिर कोई क्लैरिटी, यू नो, कुछ सुलझाने के लिए, कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए. व्हाट इज दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स? व्हाई इज दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स हियर? ये वक्त ले रहे हैं अपना, क्योंकि इनको लग रहा है कि यू नो, झिझक होती है ना, एक खुद ही ब्लॉक कर रखा है, खुद ही बात करना बंद कर दिया, चले गए तो कैसे आए. तो एक झिझक है इनके अंदर. बट मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, जस्ट बात नहीं करते और समथिंग लाइक दैट. काफ़ी मूवमेंट स्लो है इस पर्सन की, बट दे आर ऑन देयर वे, दे आर कमिंग. सी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक न्यू बिगनिंग के लिए पर्सन आ रहे हैं. एंड दिस पर्सन, मुझे लगता है पर्सन बहुत होपफुल है. अभी इनके अंदर एक अलग लेवल की, एक न्यू स्टार्ट करना है इनको आपके साथ. यू नो, दे वॉन्ट टू बिगिन समथिंग विथ यू, न्यू ब्रांड स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. ओके, लेट्स सी के ओरेकल से क्या निकल के आता है. सो ये पर्सन नहीं दूर रह पाएंगे. काफ़ी लोगों के लिए बहुत जल्द ये पर्सन आएंगे, क्योंकि क्यूरियस है, प्यार भी है. जो दिल टूटा था या जो हर्ट इनको हुआ था उससे वो हील भी हुए हैं. नो मैटर, ये आपकी एनर्जी है या उसकी एनर्जी, बट मुझे कोई ना कोई वापस आते हुए डेफिनेटली दिख रहा है. एंड इनका मे बी टाइम काफ़ी लगा लिया इन्होंने, काफ़ी टाइम ले लिया, क्योंकि मे बी ये कुछ अपने लाइफ में कुछ कर रहे थे, स्टडी, जॉब, समथिंग, जिसमें बिजी रखा था खुद को. द फर्स्ट इज रिलैक्सेशन. आई टोल्ड यू, समवन इज़ रिलैक्सिंग, समवन इज़ टेकिंग टाइम. अपना टाइम लिया इन्होंने. मुझे नहीं लगता ये किसी के साथ जगल अप हुए थे, कर रहे थे आपको छोड़कर ये किसी के साथ थे, ऐसा मुझे नहीं लगता. इन्होंने मूव ऑन नहीं किया, दे टुक देयर टाइम. इन्होंने अपना काम किया, अपने काम पे फोकस, अपने पे फोकस, क्लैरिटी लाने की कोशिश की, जो कि उनको आ भी गई विद टाइम. मैंने बोला रेस्टिंग एंड रीजेनरेटिंग, हीलिंग प्रोसेस चल रही है यहाँ पे. एलिमिनेशन, तो मुझे लगता है कि देखिए, जब पर्सन हील करता है तब उसके अंदर जो एक नई लेवल ऑफ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म और एलिमिनेशन होना ज़रूरी होता है, वो इस पर्सन में हो रहा है. इनको अवेकनिंग हो रही है, इनके सोल अवेकनिंग हो रही है, इनको समझ में आ रही है चीज़ें. दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स. अभी सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, आपके भी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं. सी, स्टिलनेस. तो मुझे लगता है अभी तक आपके पर्सन और आपके बीच एक स्टैग्नेंसी थी, होल्ड पे चली गई थी, चीज़ें पॉज हो गई थी. देर वॉज अ स्टिलनेस, देर वॉज नो मूवमेंट फर्दर. बट मुझे लगता है अब चीज़ें आगे बढ़ेगी. अब यहाँ पे पुश होगा, इस पर्सन को यूनिवर्स पुश कर रहा है टू कम टू यू, टू टेक थिंग्स फर्दर विथ यू एंड समथिंग लाइक दैट. सो डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. वॉट मोर डू वी हैव? एडवाइस क्या है आपके लिए? अ टाइम फॉर हीलिंग. आई टोल्ड यू, सी कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस निकल के आ रहे हैं. मैंने बोला आपको, बैल्समिक मून कार्ड आया है. टाइम है हीलिंग का. ये आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं. स्पेशली ये टाइम काफ़ी लोगों के लिए हीलिंग है. मे बी आप दोनों के लिए हीलिंग का प्रोसेस. सी, रिलैक्सेशन, टाइम फॉर हीलिंग. आई टोल्ड यू, बेसिक यहाँ पे चल रहे हैं. हील होना ये ज़रूरी है आप दोनों के लिए भी. ओके, व्हाट मोर डू वी हैव फॉर यू? एडवाइस क्या है हमारे पास, प्लीज़? प्रॉस्पेरिटी लाइज है. तो यहाँ पे अबेंडेंस आ रहा है. नो मैटर वॉट, आपके लाइफ में यू आर गोइंग फर्दर और विथ ऑप्टिमिज्म, विथ पॉजिटिविटी, चीज़ें आगे बढ़ेगी और आपको बहुत बेहतरीन अबेंडेंस मिलेगा. जस्ट बी रेडी फॉर इट, ठीक है. द नेक्स्ट वी हैव इज लुक एट द बिगर पिक्चर. छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, लुक एट द बिगर पिक्चर. अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए ग्रो करने का, ठीक है, विद दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप. छोटी छोटी बहस को इतना इंपॉर्टेंस दोगे तो फिर
तो फिर तो गई बहस भैंस पानी में, राइट। एनीवेज चलो अभी देखते हैं कि लव मैसेजेस क्या निकल के आ रहे हैं आपके लिए, और इस एंडिंग रीडिंग को एंड करते हैं। फर्स्ट है मेरी जान हो तुम, ये जान लो तुम, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट सा मैसेज इन्होंने आपको भेजा है। द नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज़ हमारी शादी होने से अब कोई नहीं रोक सकता। तो दिस पर्सन इज़ वेरी डिटरमाइंड, क्योंकि मे बी इन्होंने कोई अपना यू नो सेटल हो गए या समथिंग लाइक दैट, सच्चा प्यार। तो आप इनका सच्चा प्यार हो, ये कह रहे कि तुम मेरा सच्चा प्यार हो। वॉट नेक्स्ट डू वी हैव फॉर यू? ओके, तुम्हारे औरों से बात करना मुझे पसंद नहीं। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, तो मे बी उस वजह से कोई अनबन हो गई थी आप में। मिराकल्स डू हैपन, तो आपको लग रहा था कि पर्सन चले गए हैं, अब नहीं आएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा, तो मिराकल्स डू हैपन, भूलिएगा मत। और जो लास्ट मैसेज है वो है डोंट फॉरगेट मी, तो ये बोल रहा है कि मुझे भूल मत जाना। तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।